अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते। मेरा नाम है आसिफ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मसाला भिंडी जो एकदम ढाबे स्टाइल बनाऊंगी। ये भिंडी है 250 ग्राम जिसको काट के अच्छे से धो के और पोंछ के रखी है। और ये दही है और रूटीन के सब मसाले हैं, प्याज टमाटर, ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर है, और ये दही है, और ये गुड़ की मलाई या क्रीम है। तो चलो कैसे बनाना है बताती हूँ। सबसे पहले गैस चालू करती हूँ और इसमें ये 4 से 5 बड़े चम्मच तेल है। तेल गरम हो जाए ना तो इसमें भिंडी है ना उसको फ्राई करके निकालती हूँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आप देख रहे हो भिंडी फ्राई होने लगी है। अभी इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। बहुत ये टेस्टी भिंडी बनती है, आप जरूर ट्राई करना। बस अभी इसको साइड पे रखती हूँ और इधर एक प्याज डालती हूँ। साथ ही इसमें ये 1/4 स्पून इसमें अजवाइन है और 1/4 स्पून जीरा है वो डालती हूँ। प्याज को थोड़ा अच्छे से लाइट ब्राउन करती हूँ इसमें ये करी पत्ते। देख रहे हो ये प्याज थोड़ी कलर चेंज होने लगा, इसमें कटे हुए टमाटर डालती हूँ। साथ में जो मसाले बताए थे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर वो सब डालती हूँ। और इसमें ये लहसुन की पेस्ट है, 8 कड़ी लहसुन और 1 चम्मच नमक उसकी पेस्ट डालती हूँ। इसको अच्छे से जरा भूनने देती हूँ। इसमें 1 चम्मच पानी डालती हूँ और इसको जरा अच्छे से सब मसाले अच्छे से भून जाए तो उसको भूनने देती हूँ। अच्छे से मसाला भूनने लगा है, अभी इसमें दही डालती हूँ, 3 चम्मच भरी है, और ये घर की जो हम रेगुलर मलाई रहती है वो 2 चम्मच जितनी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। और ये सब के साथ ये भिंडी तली हुई है वो भी डालती हूँ। और ये सबको कम से कम 2 मिनट लगेगी और अच्छे से पकाती हूँ। आप देख रहे हो अच्छे से तेल और मलाई ने सब ये छूटने लगा है, क्रीमी क्रीमीनेस जैसा आपको लगेगा। इसमें थोड़ा कटे हुए कोथमीर डालते बनाने में बहुत ही इजी सिंपल है।
हमारे घर में 3 से 4 टाइप के हम भिंडी अलग अलग बनाते हैं, तो इस पर ऐसी बनाए तो मैं बोली इसका ही वीडियो निकालू, बस हुआ है। अभी आपको और सूखा करना हो तो और ग्रेवी को थोड़ा घट होने देना, नहीं तो ऐसा अच्छा लगता है। अभी गैस बंद करती हूँ, आपको सर्व करके बताती हूँ। मसाला भिंडी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना, और पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब और बाजू में बेल का निशान भी दबाना, और लाइक करना, शेयर करना, और ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताना याद से। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।